हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में है। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का नेचर क्या होता है और इनका मेन जो फैक्टर होते हैं अफेक्टिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को, वो कौन कौन से होते हैं, सच एज लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और उसके बाद में जो इंडस्ट्री को कौन कौन से सहायक कंपोनेंट की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कच्चे माल की प्राप्ति और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मार्केटिंग, जो मार्केट का मार्केट की पहुंच है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और उसके बाद में हमने उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हमने कर लिया था। और आज हम जो बचे हुए हैं, तीन पार्ट है, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं चीज़ें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो उद्योगों का वर्गीकरण है उसमें कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग है और उत्पाद के आधार पर कौन से हैं, स्वामित्व के आधार पर कौन से हैं। तो हमारे माइंड में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो उद्योग है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, कभी अभिकथन एवं कारण का क्वेश्चन आए, तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जो अप्लाइड इन नेचर होते हैं क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, या ये क्वेश्चन दे दिया और उसके चार कथन दे दिए और उनसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से सही है। ठीक है, एक दो, या एक दो तीन, या दो तीन चार, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या ऐसे पूछ लेंगे कि आपको एक कथन देंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें बस अदा करके तीन ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा पर्सन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, या एक क्वेश्चन ऐसा दे देंगे जिनमें चार ऑप्शन देंगे और उनमें पूछेंगे कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो एक राइट होगा, तीन गलत होगा, इसमें तीन राइट होंगे, एक गलत होगा। ठीक है, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेंगे आपको। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्री हो या उत्पाद के आधार पर हो, तो इसमें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बाकी इतना डीप कुछ है नहीं। तो चलिए स्पीड से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, आज के इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आकार के आधार पर पढ़ लिया था कुटीर, छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग। आज हम कच्चे माल के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कृषि, दूसरा खनिज, तीसरा रसायन, चौथा वन और पांचवा पशु है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें यहाँ पर है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ठीक है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण पांच शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है, कृषि, खनिज, रसायन, वन और पशु आधारित। ठीक है, जिसमें पहला है कृषि आधारित। अब खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल खेत से हमें कच्चा माल मिला, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि खेत से हमें गेहूँ मिला है। ठीक है, अब खेत से गेहूँ मिला, उसको हमने किसी पास की इंडस्ट्री में लेके गए और वहाँ पे गेहूँ का हमने पहले तो आटा बना लिया, फिर उसका गेहूँ का ब्रेड बना लिया। ठीक है, और फिर उसी गेहूँ से हमने बिस्किट बना लिए। ठीक है, तो बाद में ये तीन प्रोडक्ट बनाने के बाद में हमने इसको नगरों में भेजा। ठीक है, जो पास में ठीक है मार्केट था उसमें इन प्रोडक्ट को भेजा हमने। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोवा, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती वस्त्र, जिसमें वस्त्र में तीन टाइप होते हैं, सूती, रेशमी और जूट के। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है रबड़ उद्योग आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है, मैंने एक गेहूँ का एग्जांपल दिया था, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पे दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट है भोजन प्रसंस्करण। इसमें है कि कृषि से तैयार खाद्य में मलाई क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाई सम्मिलित की जाती है, खाद्य को सुरक्षित करने रखने की कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें उनको सुखाकर, संधान कर, अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर, पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग था। अब एक्चुअली में क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है कि खाद्य प्रसंस्करण में ये चीज मेन होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन को बढ़ा देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
अचार होता था, या दूसरी कोई बात कर लेते हैं कि दूध था, ठीक है, पहले दूध था, उसको मुश्किल से एक दिन रखा जाता था, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ये सारी चीजें डेवलप हुई है धीरे धीरे, ठीक है, 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले दूध को मुश्किल से एक दिन रखा जाता था, और उसको भी जो विंटर सीजन थी उसमें पॉसिबल था, समर सीजन में मुश्किल से 12 घंटे के आसपास रहता था। तो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि उस दूध का प्रसंस्करण किया जाता है और उसमें से क्रीम हटा ली जाती है, ठीक है, मलाई हटा ली जाती है, और उसको कोल्ड स्टोरेज में 5-6 दिन तक स्टोरेज किया जा सकता है, रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो डेयरी उद्योग है, इनमें हम पैकेट खरीद के लाते हैं तो उसमें 3-4 दिन की आगे की डेट होती है, ठीक है। तो यदि प्रॉपर उसको फ्रिज में रखा जाए तो इतने दिन तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जिनसे उनकी जो दूध के फटने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है या प्रकृति है, उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसी को खाद्य प्रसंस्करण बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको सुखा कर रखते थे, फिर कुछ ऐसी चीजें थी जो संधान कर या अचार के रूप में तेल से या सिरका डालकर रखी जाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे अल्टरनेट हो गए हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में, कि इनका केमिकल के आधार पर इनके लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है कृषि व्यापार, एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्राय व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कृषि व्यापार क्या है? एक व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है। व्यापारिक कृषि का एक प्रकार होने का मतलब है कि एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होगा, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हम कि 100 एकड़ जमीन होगी, और उसमें फर्म का आकार बड़ा है, यानी 100 एकड़ जमीन है, और सारा काम मशीनों से हो रहा है, और जो केमिकल और फर्टिलाइजर है उस पे डिपेंड रहती है अच्छी प्रोडक्शन के लिए, और अच्छी संरचना वाले होते हैं, ठीक है। संरचना का मतलब है कि उसमें एक तो जो एक मशीनीकृत या यंत्रीकृत कृषि करते हैं, तो यंत्रों के अनुसार उसको खेतों जो फसल है उसको बोया जाता है, कि छिड़काव के लिए मशीनों का प्रयोग करेंगे तो उसके हिसाब से मेड़ बनाई जाती है, बीच में दो मेड़ के बीच में गैप रखा जाता है, दो पंक्तियों के बीच में गैप रखा जाता है, और वापस जो प्रोडक्शन है उसको लेने की बात आती है तो उसके टाइम पे भी मशीनों से होता है। तो सारा काम मशीनों के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग में है कि उन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर को स्टील बनाने के लिए। कुछ उद्योग लोह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं जैसा कि लोहा इस्पात उद्योग, जबकि कुछ अलोह धात्विक खनिज का उपयोग करते हैं जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग। अभी ये एक टर्म है, आपको याद रखनी है, रटनी है, आप जैसा कैसे भी करके इसको याद रखनी है कि लोहा उद्योग और अलोह उद्योग में जो लोह सॉरी धात्विक खनिज में दो प्रकार है, ठीक है। धात्विक खनिज में दो प्रकार के, पहला है लोह उद्योग, दूसरा है अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, जिसमें एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग है। सीमेंट, मिट्टी, बर्तन आदि उद्योग में अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो दो प्रकार के हैं, पहली बात तो खनिज है, खनिज में दो प्रकार है, पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। अब धात्विक में भी दो प्रकार के, लोह खनिज और अलोह खनिज। अब अधात्विक खनिज में सीमेंट और मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, इस टाइप के उद्योग हो गए। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन आधारित उद्योग। अब इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। अब ये जो कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, इनको हम जो तृतीय क्रियाकलाप है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज हमें बस एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि खनिज उद्योग कितने प्रकार का होता है, धात्विक और अधात्विक में डिफरेंस क्या है, उसके बाद में धात्विक खनिज में लोह खनिज और अलोह खनिज में क्या डिफरेंस है। तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है जिससे आगे हमें सेकंड चैप्टर में डिस्कस नहीं आया, ठीक है, जिसको हम तृतीय एक्टिविटीज में पढ़ेंगे। इसमें पेट्रोल रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग, ठीक है, नमक, गंधक, पोटास उद्योग,
उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी या कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशा बनाना, प्लास्टिक निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पे जूट इंडस्ट्री है, वो आज़ादी के आसपास, भारत की आज़ादी के आसपास या उससे पहले जूट इंडस्ट्री का दबदबा था। ठीक है, लगभग वर्ल्ड की 80% 80+ प्रोडक्ट, जो प्लस प्रोडक्शन है जूट का, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता था, इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में क्या हुआ कि जर्मनी और इन यूरोपीय देशों ने एक आर्टिफिशियल रेशा बनाया। ठीक है, उसकी वजह से जूट का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद में प्लास्टिक निर्माण, तो ये सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वनों पर आधारित उद्योग। अब वनों से प्राप्त, तीसरा, चौथा है वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कई मुख्य मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास, तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब लाख वन, लाख से जैसे चूड़ियां बनती है, ठीक है, वो वन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो वनों से दो टाइप के होते हैं, एक तो मुख्य और एक गौण उपज वाले। ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे है अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का कारखाना। ठीक है, अब एग्जाम में भगवान करे कभी पूछे नहीं। ठीक है, लेकिन कभी, अब कंपटीशन के स्तर के हिसाब से कभी भी कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो कैचिकान क्षेत्र पूछ लेंगे, कैचिकान क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे। पहला तो अलास्का दे देंगे, दूसरा जो साइबेरिया वाला रीजन है वो दे देंगे, और तीसरा कोई अफ्रीकन रीजन दे देंगे, और चौथा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित रीजन दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो थ्योरी पे फोकस करते हैं और आगे निकल जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका संदर्भ है वो ऐसे चित्र के फॉर्मेट में होता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जनरली हम इनको अवॉइड करते हैं। कैचिकान क्षेत्र अलास्का में स्थित है, किसके लिए फेमस है, वो लकड़ी की लुगदी का कारखाने के लिए। नेक्स्ट है पशु आधारित उद्योग। अब चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र के लिए ऊन पशुओं से प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से मिलते हैं। तो पशुओं से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, पहला चमड़ा मिलता है, दूसरे ऊन मिलती है, और हाथी दांत के लिए हाथी के दांत मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादन, उत्पाद पर आधारित उद्योग, ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, तीसरी। ठीक है, ये है उत्पाद के आधार पर, हमने ये पांच चीजें पढ़ ली, और अब नेक्स्ट हमारी उत्पाद है। अब उत्पाद में पहला है मूलभूत उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपने कुछ मशीनों या औजारों को देखा होगा जिनके निर्माण में लोहा इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लोहा इस्पात स्वयं एक उद्योग है, वे उद्योग जिनके उत्पाद के अन्य उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लिया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्या आप इस कड़ी को पहचानेंगे, लोहा इस्पात वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें, उपभोक्ता हैं तो कपड़े। अब आयरन एंड इस, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग है, उससे क्या करते हैं हम, कपड़े बनने की मशीनें बनाते हैं और उनसे हम कपड़े बनाते हैं, तो ये आधारभूत उद्योग का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लें लोहा इस्पात उद्योग फर्स्ट कैटेगरी में लें, और तीसरा लें, दूसरा लें हम गन्ने एंड गन्ने की इंडस्ट्री में गन्ने से रस निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में एक और मशीनरी लें हम, जिसे जो लोहे से बनी हुई हो, जो जो गन्ने का रस है उसको शुगर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये भी एक आधारभूत उद्योग हो गया, तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पाद करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, उदाहरण के तौर पर रोटी, जिसे ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन, श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने के लिए अथवा गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ओनरशिप के आधार पर उद्योग। ठीक है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकार के अधीन होते हैं। अब पहला सार्वजनिक है, दूसरा निजी है, और तीसरा संयुक्त है। सार्वजनिक गवर्नमेंट का होता है, निजी प्राइवेट का होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति या संगठन का होता है, और संयुक्त ज्वाइंट इंडस्ट्री फर्म होती है जो सार्वजनिक और निजी, यानी मतलब सरकारी और निजी व्यक्तियों की पार्टनरशिप होती है, 49-51% इस टाइप की।
में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देशों में भी अनेक से अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम होते हैं, ठीक है। जैसे भारत में भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें आपको जॉइंट वेंचर मिल जाएंगे, ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, ये निजी संगठन द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनमें ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया जाता है निजी क्षेत्र पर। फिर है संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट वेंचर क्षेत्र एरिया, ठीक है, के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी द्वारा किया जाता है या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योग की सूची बना सकते हैं? अब इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जो रेलवे है, एयरवेज है, ठीक है, और दूसरे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, इनमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी इंडेक्स तो खत्म हो गई है, ठीक है, इंडेक्स कंप्लीट हो गई है स्वामित्व। अब हम कुछ एडिशनल चीजें वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। जिसमें पहला है कि यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित, धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के निम्न पहचान बिंदु है, जिसमें पहला है निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती है। कहने का मतलब इंडस्ट्री के आसपास वाले रीजन में कोई लोग रहते हैं तो वहां पे जो स्लम टाइप की बस्तियों का निर्माण होता है, ठीक है, तो वहाँ पे न तो बिजली होती है न पानी होता है, आसपास में इंडस्ट्री होती है, तो उनकी वजह से जो धुआं आता है, ठीक है, उनकी वजह से तो जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती है। वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होते हैं, बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब है कि किसी दूसरे रीजन से आके यहाँ पे लोग बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि इनको रोजगार चाहिए, पास में इंडस्ट्री है, ठीक है। और एक होता है अप्रवास, ठीक है, सॉरी मैंने ये डेफिनेशन गलत बोल दी है। अप्रवास का मतलब होता है किसी नए रीजन से लोगों को आकर बसना, और उत्प्रवास का मतलब होता है किसी रीजन से लोगों का दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। जैसे अप्रवास में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र है भारत में अप्रवास में प्रथम स्थान है। कहने का महाराष्ट्र राज्य में दूसरे राज्यों से लोग है जो आके रहते हैं, तो इनको जो एक सेंटर है अप्रवास का वो महाराष्ट्र है। और यूपी को हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोगों का उत्प्रवास होता है, तो यूपी उत्प्रवास के रूप में सेंटर पॉइंट है इंडिया में, ठीक है। फिर है विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्यक्त भूमि का स्तर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, उस इंडस्ट्री उस जगह की इंडस्ट्री से वर्ल्ड में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसी कारण वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई, तो ये क्षेत्र है जो ऐसे बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास और इसके कारण परित्यक्त भूमि का क्षेत्र बन गए हैं, ठीक है, जिनका कोई अभी प्रेजेंट टाइम में उपयोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ऐसे कौन कौन से रीजन है। पहला है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। अब ये याद रखना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा कि रूहर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है, ठीक है। इसमें है ये लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा, इस्पात यहाँ की यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, ठीक है। पर कोयले की मांग की कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा, और यहाँ लोह अयस्क समाप्त होने पर भी जल मार्गों से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा। अब पहले क्या होता था, रीजनल लेवल पर हमें कोयला और लोह इस्पात में आयरन और मिल जाता था, और उसका उपयोग हम आयरन स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेते थे, उनसे प्रोडक्शन कर लेते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोयला भी खत्म हो गया और जो आयरन ओर है वो भी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्री क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पास में रूहर नदी चल रही है, ठीक है, सॉरी जो पास में एक जल मार्ग है, राइन है या रोन है, राइन राइन है मेरे हिसाब से, अभी कंफर्म नहीं है,
उस जलमार्ग की वजह से रुहुर क्षेत्र है और उसमें एक नदी बहती है जिसका नाम शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या है, लोहा आयस्क और कोयले का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और इस रीजन में लाया जाता है, फिर यहाँ से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन किया जाता है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहर से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आई है, प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है। अब रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयले एवं इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीददारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं जिसमें से एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो रहा है। ठीक है, अब आपको कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट में आपको रूहर क्षेत्र से संबंधित दे देंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री ये थी कि वहाँ पे कोयला था, आयरन ओर था और आपके यहाँ एक नदी जलमार्ग के रूप में थी और वहां से प्रोडक्शन करके भेजा जाता था। दूसरे स्टेटमेंट में पूछ लेंगे आपसे कि रूहर का वर्तमान समय में जो अपना पारंपरिक सिस्टम था प्रोडक्शन का वो खत्म हो गया है और उसके स्थान पर एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो रहा है जिसमें नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय, ठीक है, और ओपेल कार बनाने का कारखाना। ठीक है, तो अभी आपकी ये चीज क्लियर नहीं होगी कि ये कारखाने, विश्वविद्यालय और रासायनिक संयंत्र वो तो कोयले के लिए फेमस है रूहर। तो आप सेकंड स्टेटमेंट पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगे और लास्ट में असमंजस्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में जो जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र है वहां पर रसायन विश्वविद्यालय और अन्य जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्थापित की जा रही है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में कोयला और आयरन ओर उनको मिलता नहीं है तो वो एक शिफ्ट हो गया है आयरन ओर और जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अब डाइवर्सिटी आ रही है वहां पे और एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहो इस्पात उद्योग। ठीक है, अब इसमें थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे दे रखा है, इसको थोड़ी स्पीड से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये आधारभूत इसलिए है क्योंकि ये अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग लिए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करते हैं। इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल का उपयोग किया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। दो चीजें हैं, पहला आधारभूत उद्योग है। हर एक इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसको इसलिए आधारभूत इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरा भारी उद्योग। पहली बात तो भारी उद्योग का मतलब है कि प्रोडक्शन से पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और प्रोडक्शन के बाद में जो आउटपुट निकल कर आता है आयरन और स्टील का उसका वेट भी ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको भारी उद्योग भी कह देते हैं। तो लोह इस्पात उद्योग की ये दो कैरेक्टरिस्टिक है, इनके चरित्र है। लोह निकालने के लिए लोह अयस्क को जोंका भट्टियों में कार्बन, कोक और चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकाल कर जब ठंडा हो जाता है तो उसमें उसे कच्चा लोह कहा जाता है। इसी कच्चे लोह में मैग्नीट मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। अब ये प्रोसेस क्या है, पहला आयरन ओर है, ठीक है, ठीक है, आयरन ओर है लोहा आयस्क। ठीक है, अब लोहा आयस्क को भट्टी में डाला जाता है तो इसमें कार्बन जोंका जाता है, कोक, ठीक है, कार्बन या कोक और चूना पत्थर। ठीक है, और ये जो मिला हमें जो आउटपुट निकला है वो है कच्चा लोहा। ठीक है, अब कच्चा लोहा में क्या मिलाते हैं, कच्चा लोहा में मिलाते हैं मैग्नीज। अब यहाँ पे ये बेसिक है, ठीक है, एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे, मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो मैग्नीज का उपयोग कच्चा लोहा से आयरन एंड स्टील बनाने के लिए होता है, इस्पात। ठीक है, अब इस्पात जो भी हम आयरन को देखते हैं, चाहे वो घर के लिए यूज हो, चाहे रेल की पटरी के लिए हो, या चाहे इंडस्ट्री में मशीन के लिए हो, तो वो उसको कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है हमें उसको हम इस्पात के नाम से जानते हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील, तो ये इसका एक प्रोसेस है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के निकट समीप ही रही है, जहां लोह अयस्क, कोयला, मैग्नीज या चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, या ऐसे स्थान पर भी अविकसित हो सकता है जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके जैसे पतन के समीप। परंतु जैसे जापान है, ठीक
है। तो जापान में क्या सिस्टम है कि जापान एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। अब जापान के लोकल लेवल पर वहां पे कोयला नहीं मिलता है, वहां पे आयरन ओर नहीं मिलता है, ठीक है। तो जापान का जितना भी जो आयरन ओर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र उद्योग है, वो जापान की कोस्ट लाइन के निकट है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, और एग्जाम में पूछा हुआ है यूजीसी नेट में प्रीवियस में 2012-13 के क्वेश्चन में, कि आयरन जो जापान की आयरन और इंडस्ट्री है वो कोस्टल बेल्ट पे क्यों विकसित हुई है। तो इसलिए विकसित हुई है, जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो कोयला हो चाहे लोहा इसको, ठीक है, वो जापान इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के विशाखापट्टनम बंदरगाह को इसीलिए डेवलप किया गया था जो जापान को आयरन और एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये मेजर कारण है उसका, जापान का कोस्टल एरिया में इंडस्ट्री को स्थापित करने का, ठीक है। परंतु छोटे इस्पात कारखाना जिसका निर्माण और प्रचलन कम महंगा है की अवस्थिति के कारण कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार में उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात उद्योग विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता है, जब छोटे इस्पात संयंत्र जिन जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि काफी ऐसी आयरन और इंडस्ट्रीज है वो बाजार के निकट लग जाती है, ठीक है। उनका मेन कारण क्या है कि जो उनको जो लोह मिलता है जिन पे जंग लगा हुआ होता है या पुराना लोह होता है उसको वापस पिघल कर नए लोह में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उनको ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो बाजार के निकट हो जाते हैं, ठीक। अब लोहा इस्पात उद्योग का वितरण है, ठीक है, एक बार स्पीड से देख लेते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से रटना है आपको, जैसा भी करके इसको याद करना है, ठीक है। एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अपलेशियन क्षेत्र, जिसे पिट्सबर्ग कहते हैं, महान झील क्षेत्र जो झील है होम्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, मिशिगन, और जो दूसरी झीलें हैं ईरी, ऑन्टेरियो, ठीक है, उनके आसपास जो क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल शिकांगो है, गैरी है, ईरी है, क्लीवलैंड है, लोरेन है, बफेलो है, ड्यूलूथ है, और एंटार्कटिक तट, स्पैरोज पॉइंट है, मोरिसाविले है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलबामा में भी है, ठीक है, अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है। पीट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है क्योंकि इस क्षेत्र को जंग का कटोरा नाम से पुकारा जाता है। अब कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे सीधा सीधा, ठीक है, कि जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे जिसमें पिट्सबर्ग होगा, तो ये राइट है। यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सोवियत रूस इनके मुख्य उत्पादक है। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से है, बर्मिंगम, शेफील्ड, जर्मनी में है डुइसबर्ग, डोर्टमुंड और डसुलडोर्फ एवं एलन, सॉरी एसएन, ये फ्रांस में है, फ्रांस में ली, क्रियोसोट और सेंट इटिनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पेसबर्ग, पिट्सबर्ग और लिपेटस्क एवं तुला, यूक्रेन में है क्रिबोच, रोग, दोनेतस्क, इसके प्रमुख इस्पात केंद्र है। उसके बाद में एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में शंघाई, तियन तेनशिन एंड वुहान, भारत में जमशेदपुर, कुलटी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम में भद्रावती प्रमुख केंद्र है, ठीक है। अब तो एटलस एज में वर्ल्ड मैप को हम अलग से देखेंगे और इंडियन मैप को हम अलग से देखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, या सॉरी नेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम जब इंडिया का ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें वहाँ पे बकायदा मैप वगैरह दे रखे हैं, तो उन सारी चीजों को हम डिटेल से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है, ये वर्ल्ड की है और वो इंडिया की है, तो उसमें हम ये सारी चीजें मैप में भी देखेंगे, कौन से स्टेट में है और आसपास में कौन से जो पहाड़ी रीजन है जहाँ से कोयला और लोहा मिलता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। कपड़ा, सूती कपड़ा उद्योग, अब इसमें है कि इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा और कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं ये अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। अब ये सूती कपड़ा उद्योग है ज्यादा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, इसमें हम इसको कपास से रेशा बनाना होता है, तो इसमें अर्ध कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, एक मेन कारण ये है। और
अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है, यदि अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बेस होता है जिस इंडस्ट्री का, वहां पे पूंजी ज्यादा चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी का उपयोग पर क्यों बल दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया था, जो आर्टिफिशियल रेशा थे उनको अवॉइड करने के लिए। इसके अंतर्गत सूती सूत की कताई बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली कर्गो से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। अब जिस इंडस्ट्री में श्रमिक अधिक होते हैं वहां पे कैपिटल पूंजी कम चाहिए, और जिस इंडस्ट्री में श्रमिक कम चाहिए तो वहां पे क्या है, वहां पे मशीनरी का प्रयोग होता है, तो वहां पे प्रोडक्शन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़ों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म का कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। कभी भी स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कि पहला स्टेटमेंट देंगे वर्ल्ड का 50% जो कॉटन प्रोडक्शन है वो भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। तो सही है, यदि यहाँ पे भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में तीन नाम किसी और देश के दे दिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज, ठीक है, ध्यान रखनी है, खासतौर पर जो जियोग्राफी से संबंधित एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट है, सेट है, ठीक है, या लेवल असिस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, तो इनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बाकायदा पूछते हैं। नेक्स्ट है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। अब दूसरा ये दे देंगे, पहला दे देंगे प्रोडक्शन के बारे में, और दूसरा दे देंगे कि यूरोप विश्व का 50% से अधिक कॉटन को इंपोर्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो हम जनरली अवॉइड कर देते हैं एनसीईआरटी को, कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पब्लिकेशन जो होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एनसीईआरटी आपके आपको आपकी जो नींव होती है उसको मजबूत करती है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि कपास का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कपास को इंपोर्ट कौन करता है, एक्सपोर्ट कौन करता है, ठीक है, या आयरन ओर इंडस्ट्री है उसका जनरल पैटर्न क्या है, विश्व के कौन से रीजन में प्रोडक्शन होता है क्या, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होने चाहिए, उसके बाद में आपको पब्लिकेशन समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों में से उद्योग की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफी प्रगति की, पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। ये उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गए हैं जहाँ श्रम लागत कम है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग बनाते थे, उसके बाद में मशीनरी आई, कृत्रिम रेशे का निर्माण हुआ, ठीक है, तो इनका जो संकेंद्रण है वो विकसित देशों की तरफ चला गया। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि ये सूती वस्त्र उद्योग है वो कम विकसित देशों की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। वहां पे कहने का मतलब जो श्रमिक है वो ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं, कम पैसों में श्रमिक मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ट इंडस्ट्रीज होती है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण, गहन शोध एवं विकास का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर, ठीक है, श्रमिकों का होता है। अब ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो जितने भी प्रकार के भी रेड कॉलर है, ब्लू कॉलर है और गोल्ड कॉलर है, व्हाइट कॉलर है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंडस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। तो ये संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं, ठीक है। तो कहने का व्हाइट कॉलर जॉब वाले व्यक्ति होते हैं वो ब्लू कॉलर वाले जॉब की तुलना में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन का निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रसायन व औद्योगिक उत्पादन प्रमुख स्थान पर रखते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्री होती है उनमें ये काम किए जाते हैं, ठीक है, जैसे मानव यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन है, निर्माण है, धातु पिघलाने है और शोधन के, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण के एवं नए रसायन एवं औषधि उत्पादन, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज के मेन कैरेक्टरिस्टिक है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड।
इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडारों क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालयों प्रयोगशील प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही है उनमें नियोजित व्यवसायिक पार्क का निर्माण किया जाता है। वह कच्चे प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता के लिए होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। यह भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल है, बेंगलोर के आसपास वाला रीजन है, ठीक है, और उसके आसपास बॉम्बे के आसपास वाला रीजन है। तो ये है, तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। सैन फ्रांसिस्को के निकट सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी, और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन, ठीक है। ये दो टर्म है। जो सिएटल सिटी है यूएसए की, वो जो बोइंग विमान है, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन हेडक्वार्टर है, मेन जो लोकेशन है सिएटल में है, ठीक है। ये अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर स्थित है। विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण उद्योग सबसे बड़ा योगदान है। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र, मोटर गाड़ी, पेट्रोल रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग है। तो ये टॉप पे है, ठीक है। आयरन और इंडस्ट्री है, फिर टेक्सटाइल है, फिर ऑटोमोबाइल है, फिर यहाँ पेट्रोकेमिकल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इनके प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में। और आने वाले सेशन में हम कल से जो टर्शियरी एक्टिविटीज है उनको डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए हमें, कमेंट कीजिए। इम्प्रूवमेंट और कुछ टॉपिक है उनके बारे में, तो उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू।